नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं UPPSC RO-ARO 2016 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि RO-ARO 2016 को लेकर भी घिरा है आयोग। क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। जब एडवर्टीजमेंट निकला था उस समय जो है निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया उसमें निगेटिव मार्किंग डाल दी गई। साथ में पेपर को भी है, जो यहाँ पे लीक होने की मामला हुई थी, फिर दोबारा पेपर को भी कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विज्ञापन में नहीं था निगेटिव मार्किंग, पर परीक्षा में कर दी थी लागू। पेपर लीक के कारण UPPSC ने दोबारा कराई थी प्रारंभिक परीक्षा। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, PCS 2018 के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के विवाद को लेकर घिरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के लिए समीक्षा अधिकारी RO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO परीक्षा 2016 को लेकर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विज्ञापन की शर्तों के विपरीत आयोग ने RO-ARO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू कर दी थी। जबकि कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक अन्य मामले में विज्ञापन की शर्तों के विपरीत भर्ती करने पर आयोग को अब प्रधानाचार्य के पदों का परिणाम संशोधित करना पड़ रहा है। PCS 2018 के तहत प्रधानाचार्य के 83 पदों की भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय ने आयोग से कहा था कि अपने विज्ञापन का पालन करें और रिजल्ट संशोधित करें। इस मामले में आयोग सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने आयोग की SLP खारिज कर दी। RO-ARO 2016 की भर्ती को लेकर भी ऐसा विवाद है, जिसमें अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका जो है दाखिल कर रखी है। RO-ARO 2016 का विज्ञापन वर्ष 2016 में जारी किया गया था। परीक्षा में शामिल होने के लिए 385,122 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। नवंबर 2016 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के दौरान लखनऊ के एक सेंटर से प्रश्न पत्र जो है व्हाट्सएप पे वायरल हो गया था। पूर्व IPS अधिकारी जो है अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ के एक थाने में FIR दर्ज कराई थी। तो गाइज, ये रहा ओवरऑल जो मैंने आपके साथ शेयर की। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बाद में जो है पेपर लीक मामले में CBCID जाँच हुई और इसमें पेपर लीक के कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। आयोग प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करता है, इससे पहले अमिताभ ठाकुर ने न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया। आयोग ने मामले को ख़त्म करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा को ही निरस्त कर दिया और 20 सितंबर 2020 को प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराई। वर्ष 2016 के विज्ञापन में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि आयोग ने दोबारा हुई प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू कर दी थी। आयोग का तर्क था कि वर्ष 2019 से UPPSC की सभी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग लागू की गई है। RO-ARO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2019 के बाद हो रही है, इस वजह से इसे निगेटिव मार्किंग लागू की गई है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना था कि वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है, नया विज्ञापन या आवेदन तो हुआ नहीं है। ऐसे में आयोग विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी नए कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। वही जो 2016 के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई किए थे, सिर्फ वही जो है इस परीक्षा को दे सकते थे। तो फिर नियम में बदलाव क्यों किया जा रहा है? अभ्यर्थियों की मांग निरस्त की जाए परीक्षा। RO-ARO 2016 के अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू न की जाए। इस मामले से श्रीति सिंह ने कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर रखी है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का आरोप है कि आयोग ने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रारंभिक परीक्षा कराई और कुछ माह पूर्व अंतिम चयन परिणाम भी जारी किया। कौशल सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों की मांग है कि आयोग पूरी परीक्षा निरस्त करे और बिना निगेटिव मार्किंग के नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा कराए। RO-ARO के 260 पदों पर हुआ था चयन। समीक्षा अधिकारी RO-ARO समीक्षा अधिकारी ARO
2016 के तहत 8 प्रकार के 260 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा 303 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों न मिलने के कारण 43 पद खाली रह गए। पेपर लीक विवाद के कारण यह भर्ती 5 सालों में पूरी हो सकी थी। तो गाइज़ यहाँ कोई भी मतलब एग्ज़ाम होता है तो लगभग उसको 5 साल लग ही जाते हैं, क्योंकि पहले एडवर्टीजमेंट के लिए ट्विटर कैंपेन चलाओ, फिर उसके बाद से जो है एग्ज़ाम के लिए चलाओ, एग्ज़ाम होने के बाद से पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के बाद से ये कोर्ट जाएगा, कोर्ट से फिर जो है कुछ निर्णय निकलेगा, निर्णय लेने के बाद से इसमें लगभग 3 या 4 साल लग ही जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में बस यही जानकारी मिल पा रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।